सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी की स्तुति होती है, प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, तो कई लोगों से वो सहन नहीं होता है। कल हमने दो प्रसंग देखे कि भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा हुई तो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल, उससे वह सहन नहीं हुआ। कीर्ति बढ़ेगी, यश फैलेगा, तो कई लोगों से वो सहन नहीं होता है। सत्ता संपत्ति बढ़ेगी तो भी कई लोगों से सहन नहीं होगा। ये जब से सृष्टि हुई है तब से ये चला आ रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। किस दुनिया में दोनों प्रकार के लोग आते हैं, कोई कामयाबी छूने के लिए प्रयत्न करता है और कोई उसको देखकर जलता है, ये दो चीज रहेगी। और जब ईर्ष्या आती है तो कई तरह से उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। किंतु जिसको आगे बढ़ना है उसको कभी भी प्रतिक्रिया में समय व्यर्थ गवाना नहीं, उसको आगे ही बढ़ते रहना। क्योंकि लोग तो आएंगे, अड़चन करने वाले, बाधा पहुंचाने वाले, उपद्रव करने वाले, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रख के आगे बढ़ना है, अपना काम करते जाना है। इसीलिए एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाऊंगा कि दुनिया में ऐसा होता रहेगा, तू ऊंचा ही सपना देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है। इस दुनिया में ऐसे थोड़े शिशुपाल जैसे, दुर्योधन जैसे लोग थोड़े मिलेंगे ही। वो किसी का अच्छा देख नहीं सकते हैं, किसी का अच्छा सुन नहीं सकते हैं, किसी का अच्छा बोल नहीं सकते हैं, किसी की अच्छी बात वो कर भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। ऐसे लोग भी इस दुनिया में थोड़े कुछ रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए कहा कि तू ऊंचा ही सपना देख, तू ऊंचा ही सपना देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है। और इस चीज में जो है ना, भगवान श्री कृष्ण जैसे कोई नहीं। वो कभी भी कोई कैसे भी निंदा करे, कैसा भी बोले, कृष्ण भगवान कभी डरने वाले नहीं थे। शिशुपाल ने 100 बार अपराध किया, भगवान ने कभी भी क्रोध नहीं किया। बस जब समय आया तब फैसला दे दिया, बस इतना है। क्रोध नहीं, गुस्सा तो किया ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में से आप देखेंगे कि कभी भी वे निराश नहीं हुए, उदास नहीं हुए, चाहे कितने भी लोग विरोध करने वाले मिले, अपने भी, जैसे कि बुआ का लड़का शिशुपाल, अपने मामा थे कंस, सब विरोध करने वाले थे, फिर भी कभी भी भगवान कृष्ण ने गुस्सा नहीं किया, किसी के पास उसकी निंदा नहीं की, सहते गए। और जस ऐसा लगा कि अब एंडा गया है तो फैसला दे देने का बस, बाकी कभी भी किसी की निंदा में वो पीछे हट करे ऐसी बात नहीं थी। तो हम सबको भी ये बात याद रखनी है कि तू ऊंचा ही सपना देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है। तू शांति छे, शांति से अच्छा कार्य कर, जलने के लिए लोग है। तू शांति से अच्छा कार्य कर, जलने के लिए लोग है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां ढूंढने के लिए लोग है। तू कदम आगे ही रख, पीछे खींचने के लिए लोग है। तू कदम आगे ही रख, पीछे खींचने के लिए लोग है। दुर्योधन जैसे लोग रहेंगे जो पीछे खींचने का प्रयत्न करेगा ही। और तू सबसे मित्रता कर, दुश्मनी करने के लिए लोग है। तू मित्रता कर,
पांडवों ने कभी किसी से शत्रुता नहीं की, मित्रता ही करते जाते। फिर भी दुर्योधन जैसे दुश्मनी करने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे। तो सबसे मित्रता कर, दुश्मनी करने के लिए लोग है, तू अच्छी यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग है, नई नई बातें बना बना कर कहते रहेंगे। तू बस संवार ले खुद को, तू बस संवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग है, वो आईना लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे। आईना दिखाने के लिए लोग है, तू खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है। तू खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, ताली बजाने के लिए लोग है ना भाई। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, ताली बजाने के लिए लोग। तो पॉजिटिव मार्ग पर चलना है, कभी नेगेटिव मार्ग पर जाना नहीं। पांडव और कौरव में यही बस फर्क है, पांडव हर हमेश सही मार्ग पर चले हैं, पॉजिटिव मार्ग पर चले हैं, और जो कौरव थे वो गलत नेगेटिव मार्ग पर ही चलते रहे। बस महाभारत और कुछ नहीं है, यही दो मार्ग दुनिया में आदि अनादि से चलता आ रहा है, और ये दोनों मार्गों को ठीक तरह से बताने के लिए ही व्यास भगवान ने ये पूरा महाभारत बनाया है। महाभारत तो इनको, इसको तो पांचवें वेद की उपमा दी गई, इतना ज्ञान से भरा हुआ है। हर प्रकार का ज्ञान महाभारत में लिखा गया है, हर प्रकार की समझ महाभारत ग्रंथ में दी गई है। कैसी भी प्रॉब्लम जीवन में आए, कोई भी मुसीबत आए, उसका समाधान महाभारत में से आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिस महाभारत ग्रंथ में गीता जैसा रत्न हो, विदुर नीति जैसा रत्न हो, विष्णु सहस्र नाम जैसा रत्न हो, वो ग्रंथ कितना विशाल काय हो सकता है, वो ग्रंथ कितना महान हो सकता है। सागर है और सागर में बहुत से रत्न भी। लोग आज दिन तक महाभारत को नजरअंदाज करते रहे, बहुत कुछ सुख की बातें इसमें लिखी गई है, सबके लिए काम की बातें आती थी महाभारत में। मैंने तो अथ से इति संपूर्ण महाभारत का अध्ययन किया, संस्कृत श्लोक जो लाख श्लोक है सब श्लोक पढ़े हैं, और जो संस्कृत भाषा में जो बातें स्पष्ट होती है वो भाषांतर से भी नहीं होती है, क्योंकि जो मूल भाव संस्कृत में से निकलता है, भाषांतर करने वाले तो क्या होते कि वो अपने हिसाब से भाषांतर करते हैं, कभी गलती भी हो सकती है। संस्कृत भाषा का जिसको ज्ञान है और मूल संस्कृत श्लोक ही पढ़ेंगे तो उनमें से उसको जो मूल भावार्थ है वो समझ में आएगा। हर एक भाषा का अपना अपना महत्व होता है, कोई चीज जो हम हमारी गुजराती भाषा में समझ जाते हैं वो दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वे शब्द ही नहीं होते हैं। जो शब्द बाहर देने वाले गुजराती में इफेक्ट करते हैं वो उसमें नहीं करेंगे। जैसे हमारे गुजराती में हम बोलते हैं घड़तर, किसी आदमी में को हम संस्कारित बनाते हैं तो उसको घड़तर बोलते हैं गुजराती में। घड़तर शब्द का ट्रांसलेशन आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, जो घड़तर से आपको समझ में आएगी बात वो उसमें समझ में आएगा ही नहीं, उसके लिए प्रॉपर शब्द ही आपको नहीं मिलेगा। तो हिंदी भाषा में कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं जो आपको गुजराती भाषा में ट्रांसलेशन करने जाएंगे आप तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वही भाषा में प्रयुक्त होता है। अपनी अपनी हर एक भाषा की अपनी अपनी एक महत्ता होती है। तो संस्कृत भाषा में संस्कृत श्लोक पढ़ने से जो बात स्पष्ट होती है वो कभी भाषांतर से नहीं होगी। इसलिए संस्कृत जिसका संस्कृत का ज्ञान है उनके लिए ये वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, बहुत काम के शास्त्र हो जाते हैं। और इसीलिए साधु संतों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण लोगों को भी संस्कृत पढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कृति की, हमारी सनातन संस्कृति की, हमारी ये जो हिंदुस्तानी संस्कृति, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी संतों की और ब्राह्मणों की है।
और संतों और ब्राह्मणों ने ये काम भली भांति निभाया भी है। उन लोगों ने हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा काम किया भी है। तो आज मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये महाभारत जो ग्रंथ है अद्भुत है।